ओके सो जो भी ऑनलाइन बैठा है थ्योरम लिखने का टेक्निक में और एक बार सिखा दो। तो फर्स्ट इसमें आएगा अपना थ्योरम का स्टेटमेंट, ओके जनरल स्टेटमेंट जो भी रहेगा यहाँ पे जो दिया है तो मुझे रीड किया था फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद हम लोग एक फिगर के रेफरेंस में हम लोग अभी थ्योरम स्टार्ट करके प्रूव करना। ओके तो हम लोग ने जो फिगर बनाया है इसमें जो नेम्स यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। गिवन मतलब क्या है कि ट्रायंगल या फिर जो भी है उसमें क्या क्या दिया था, इसमें एक्सटीरियर एंगल रहना चाहिए। तो देखो इसके गिवन में क्या लिखा है, एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ट्रायंगल है करके हम उसे बता दिया उसके एक्सटीरियर एंगल है करके बता, इसके अलावा कुछ भी दिया है क्या, कुछ भी स्पेसिफाई किया है नहीं, हो गया अपना काम। नेक्स्ट अभी हम लोग आएंगे यहाँ से कि प्रूव क्या करना है, तो उसको हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। ओके अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हम लोग, हम लोग प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके टेक्स्ट बुक में देख लो तुम लोग, एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू बी आर, ये जो लिखा ये यहाँ पे मेरे तीन लेटर में यूज किया बस वही चेंज है। ये दोनों को यहाँ पे लिखना है कि प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि ये दोनों ऐड किया तो ये मिलेगा, तो उसको हम लोग ने अकॉर्डिंग टू द फिगर यहाँ पे लिखा। ठीक है नेक्स्ट आएगा डू प्रूव, मतलब ये क्या प्रूव करना करके बताया, तो उसका प्रूव आएगा इधर कि प्रूव करने के हम लोग क्या क्या स्टेप्स यूज करें। ओके प्रूफ आ गया और प्रूफ है तो लास्ट में ये जो टू प्रूफ वाला स्टेटमेंट था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना चाहिए, हम लोग सॉल्व करते हैं और वहां पे पहुंचना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग लास्ट लाइन में जो देयरफॉर लिखा है स्टेटमेंट के जस्ट ऊपर देखो, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर एस, टू प्रूफ का स्टेटमेंट वहां पे आ गया। फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा है कि ये थ्योरम बराबर है, देयरफॉर मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स, थ्योरम का स्टेटमेंट देखो वही लिखा है। ओके तो लिखने का टेक्निक समझ में आया सबको, इजी है इसका यही फॉर्मेट है। जनरली स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग गिवन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके इसका क्वेश्चन के साथ अगर देखें स्टेट एंड प्रूव डैश थ्योरम ऐसा रहता है इसका क्वेश्चन, स्टेट बोला मतलब अपने को मेंशन करना है थ्योरम का स्टेटमेंट, फिर उसके बाद तुम लोग प्रूव करो, समझ गए। क्वेश्चन हमेशा ऐसे रहता है लेकिन स्टूडेंट्स इस पे ध्यान देते हैं, तो अगर समझो 3 मार्क है तो हाफ या फिर 1 मार्क उधर ही चला, अभी क्लियर है कुछ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये जो पेज नंबर 24 में थ्योरम है वो तुम लोग को एज इट इज कॉपी करना है बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। दो ही स्टूडेंट्स का वीडियो ऑन है, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पेज में है प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये कुछ नहीं इसका ही एक्सटेंशन है। तुम लोग एक चीज मुझे बस बताओ, ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जीरो रहेगा क्या, नहीं हो सकता ना, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल है मतलब कभी जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा वो ट्रायंगल बंद हो जाएगा, लाइन बन जाएगा, वो ट्रायंगल बनेगा ही, लॉजिक समझ में आ रहा है। सो ऑल द एंगल्स विल बी मेजरिंग मोर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो पी से कंपेयर करो, पी तुम लोग रैंडमली कोई भी वैल्यू एज्यूम करो पी और क्यू का, इन दोनों से ग्रेटर वैल्यू रहेगा ना हमेशा पी आर एस का, क्योंकि तुम लोग दो चीज को ऐड कर रहे हो और ऐड करते टाइम जीरो भी नहीं ऐड कर रहा, तुम लोग एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, समझो ये 80 है और ये 0.5 ही रहने दो तो भी 80 से बड़ा ही रहेगा, 80.5 रहेगा, 0.1 भी रहने दो तभी भी ये इससे बड़ा ही रहेगा, समझ में आ रहा है। तो इससे इसका मतलब क्या है, एक्सटीरियर एंगल विल बी ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, लॉजिक समझ में आया, इसमें मेजर का रिक्वायरमेंट नहीं है, इक्वल है करके बताने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा ग्रेटर है, समझ में आया, ये दोनों भी जब तक जीरो नहीं है तब तक इन दोनों से ज्यादा वैल्यू ही याद रखेगा, क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है एकदम, तो ये यहाँ पे बताया है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन ए एंड बी। ओके फर्स्ट टाइम इन लोग ने वही किया कि दो पॉजिटिव नंबर्स ऐड करो वो हमेशा आपके पास ग्रेटर नंबर मिलेगा, विच मीन्स नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट लाइन में स्किप करो उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखा है इफ
PRS is an exterior angle of triangle PQR, then PRS will be greater than P, also PRS will be greater than Q. दोनों से ग्रेटर रहेगा। अब ये जो लॉजिक है ये टेंथ में एक बार तुमको को यूज करना, तब तक तुमको याद ही नहीं रहेगा। प्रॉब्लम वही है क्योंकि इसके बेस अभी देखो ना, ग्रेटर बोला था, कुछ कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। ये ग्रेटर है करके प्रॉपर्टी है, वो तुमको तभी यूज करना, और अगर नहीं तभी रहेगा ना तो मुझे वापस सिखाना पड़ेगा, ये हमेशा होता है। ओके, तो ये समझ में आ सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट वन क्या था, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट वन रिमोट इंटीरियर एंगल्स पे था और सेकंड वन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, किसी को कुछ पूछना? क्लियर है यहाँ पे? थ्योरम के लिए जितना पेज जितना लाइन लीव करना है वो लीव करो, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। प्रॉपर्टी में वो सिर्फ लिखना है, मार्क कर लो जो if angle PRS की था वो वाला है। if angle PRS is an exterior angle of triangle PQR, और वहां से लेके remote interior angle मतलब चार लाइन उससे वही रेफरेंस में आ जाएगा ना, सेम फिगर। और ये साइंस नहीं है, ये मैथ्स है, डायग्राम नहीं होता, ये फिगर होता है, सब में अलग अलग बोलते हैं फिगर। हाँ, तो हो गया, समझ में आ सकते सर? सर स्टार्ट करते हैं हम 3.1 पेज, पेज क्या है 27, प्रैक्टिस सेट 3.1 पेज 27। सर in figure 3.8 angle ACD is an exterior angle of triangle ABC। यहाँ पे एक दो चीज मुझे बताना है क्योंकि यहाँ पे न्यू एडमिशन भी है। ऐसे टाइप क्वेश्चन में फिगर तुम लोग को वापस आंसर में रिपीट करने का जरूरत नहीं है। ओके, कोई कोई टीचर बोलते हैं कि फिगर बनाओ, नहीं, वो क्वेश्चन का पार्ट है। जैसा हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे वैसा फिगर भी ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, आगे जाके ऐसा होता है कि सिर्फ जो फिगर दिया है उससे होगा नहीं, तो हम लोग अपना एडिशनल कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो तुम लोगों को ड्रॉ करना है, ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना है कैसे, सवाल आता है, नहीं करना, क्वेश्चन लिखना है क्या, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है। प्रैक्टिस सेट 3.1 ऊपर हेडिंग का देंगे तुमको, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तुम्हारा काम हो गया, फिर डायरेक्टली आंसर स्टार्ट कर। ओके, तो इन फिगर 3.8 नहीं, दोनों में नहीं करना है। हाँ, तो इग्नोर करना, छोड़ दे, कट मत कर, फिर कैसा हो जाता है, छोड़ दे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 3.8 एंगल एसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एंगल बी इज 40 डिग्री, एंगल ए इज 70 डिग्री। बस मुझे इतना बताओ, अगर एंगल ए सी डी इज द गिवन एक्सटीरियर एंगल, देन रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन सा हो? ए और बी है, ये दोनों दिया है क्या? ये दोनों दिया है, ए एंड बी दोनों दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, लिखने का तरीका देखो, पहला गिवन लिखना, इन ट्रायंगल A, B, C, angle A, C, D is an exterior angle. क्या हो गया? पीछे में देख रहा है, नहीं रहा है, लाइट है क्या? दिख रहा ना? इनको नहीं दिख रहा। हाँ, in triangle A, B, C, angle A, C, D is an exterior angle. और भी कुछ गिवन है, angle A और angle B का मेजर है ना?
एंगल ए का मेजर दिया है 70 डिग्री, एंगल बी का मेजर दिया है 90 डिग्री, जो भी दिया है मैंने यहाँ पे लिख दिया। कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है क्या? नहीं, तो मिसिंग लग रहा है? नहीं, तो गिवन हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, दोनों टू प्रूव नहीं लिखेंगे, टू फाइंड मतलब कुछ मेजर फाइंड करना है क्या, दोनों टू फाइंड, कुछ प्रूव करना है क्या, दोनों टू प्रूव लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू फाइंड क्या है, मेजर एंगल ए सी, मेजर नहीं लिखा तो नहीं चलेगा, एंगल ए सी तो गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया। अब टू फाइंड है इसमें ये सॉल्यूशन, टू प्रूव रहता तो प्रूफ होता था, यहाँ पे टू फाइंड है तो सॉल्यूशन। ओके स्टार्ट करो। अब इसमें एसीडी एक्सटीरियर एंगल है करके दिया है, ये मुझे अगेन लिखना पड़ेगा बिकॉज मैं वो प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं। ओके, सो एंगल एसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल एबीसी। ये मैंने खुद से बोला है क्या? नहीं, इन लोगों ने सब में दिया था, तो क्या बोलते हैं, कुछ भी नया स्टेप लेके आए हम लोग, उसका जस्टिफिकेशन देना है, उसका रीजन देना है, क्लियर है? सो एंगल एसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल एबीसी, दिस इज गिवन। अब हम लोग क्या यूज करेंगे बताएगा, अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, सो बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये थ्योरम से हम लोग को क्या पता है, एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। ए और बी का मेजर दिया है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एड करेंगे 70 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द आंसर, 110। जैसे अपना लास्ट आंसर आएगा ना, ये सब क्लियर होना चाहिए, डिग्री लिखना है, सेंटीमीटर लिखना है, चल जाएगा यहाँ पे स्पेसिफिक अपना रखना चाहिए, एकदम प्रॉपर आंसर रखना चाहिए। एंगल ए सी डी जो फाइंड करने बोला था मिला क्या? मिला, तो अपना आंसर आ गया, लेकिन हम लोग स्टेटमेंट में समझा आंसर देंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए सी डी हमेशा स्टेटमेंट में आंसर एंड करो, ये अपना कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, और जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स रहेगा वो हम लोग ऐसा बॉक्स बना के हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और अगर मेरे को नहीं समझ आया तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं सुनाएंगे, मेरे को नहीं एक नहीं कर रहे तुम्हें एक्सटीरियर एंगल बोला है क्या फाइंड करने, ध्यान से रीड करना, गिवन में ये जो दिया है वही दिखता है, इन ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल पी इज 70 एंगल क्यू इज 65 हो गया। थर्ड एंगल फाइंड करना है, सर नीचे का नहीं दिख रहा है, सर नीचे का नहीं दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं करे सर। सेकंड वन हो गया सर, नीचे का नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, नीचे का नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है,
नो सर, नीचे का नहीं दिख रहा है। अच्छा ओके, इतना ही है, ज्यादा नहीं। ओके ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? हाँ फाइंड करना होगा, तो ये क्या करते हैं? इससे क्या समझ रहे हैं? सेकंड ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं देखना, तो राउंड हो गया ऐसे होता है। सेकंड वन किसे कंप्लीट हुआ इसका? ओके तो सोचना क्या फाइंड करने को ये हो गया ए कॉपी। अभी कॉपी करी क्या मार्क्स मिलने लगे? कितना आया? कौन है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर टू, तो यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल है PQR, P 70 डिग्री है, Q 65 डिग्री है, R फाइंड करने को बोला है। कितने लोगों ने लास्ट वाला थ्योरम यूज किया? अभी जो यूज किया आपने थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, किसी ने यूज किया? क्यों नहीं किया लास्ट थ्योरम क्यों नहीं यूज किया बता? वेरी गुड। ये जो लास्ट एंगल है वो ट्रायंगल का ही एंगल फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल ही फाइंड करना है, इसमें एक्सटीरियर को तो सोचना ही नहीं, समझ रहे हैं? अगर मैं फिंगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ हेल्प करने के लिए, तो दिस इज पी क्यू आर, पी का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें एक्सटीरियर आया नहीं, सिंपल है। तो इन एंगल पी क्यू आर, एंगल पी का वैल्यू क्या दिया है? 70, एंड एंगल क्यू का वैल्यू दिया है 65 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, याद रखो क्या पूछा है उसके हिसाब से जाएंगे ना। तो एंगल आर पूछा है, दिस इज द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। सॉल्यूशन में क्या लिखना है? तो अभी कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? तीनों ऐड किया तो 180 मिलेगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, तो वही से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, angle P plus angle Q plus angle R should be equal to 180 degree. But ऐसे बोल के नहीं जानेगा, reason देने। Okay? Sum of measures of angles of a triangle. Reason समझ में आ रहा है? ये किसके basis पे लिखा है? क्योंकि ये property हम लोग ने देखा है, हम लोग का सिलेबस पे था ये, हम लोग ने पढ़ा है, तो वो प्रॉपर्टी यूज करके मैं बोल सकता हूँ कि इफ वी ऐड दिस थ्री एंगल्स आई विल गेट 180 डिग्री। आई नो द वैल्यू ऑफ टू ऑफ दिस एंगल्स, 70 प्लस 65 प्लस एंगल आर
is equal to 180 degree. Question का answer क्या मिला? Question ही ना मिला? 70 plus 65 कितना? 135. हाँ हाँ, सबने सही बोला. So and 135 plus R है. आर जी है ना हम लोगो, आर के बारे में कौन है इधर 135 वो प्लस में है, ऐड करो ना फिर दूसरे साइड लेके गया तो क्या होगा, माइनस क्या है 55 नहीं है 35 एंगल आर का मेजर के लिए क्या आंसर को 45 डिग्री आ गया. ऑनलाइन सबको समझ में आया? एक दो तीन, तीन जन को समझ बाकी लोग तो मुंह ही नहीं दिखाया. पागल क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, सिर्फ यही प्रैक्टिस है. स्टार्टिंग में इजी लग रहा, लास्ट लास्ट में एकदम डिफिकल्ट लगे. तो अभी से जो कंसेप्ट है वो अच्छे से दिमाग में रखो कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं. ठीक है, हो गया सबका? नहीं?